जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बागेश्वर धाम सरकार जी की अगली कथा की जानकारी देने वाले हैं, जो कि राजगढ़ मध्य प्रदेश में होने वाली है। दोस्तों, इस कथा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी इस कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं, दिव्य दरबार में आ रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले ये जो कथा है बागेश्वर धाम सरकार जी की, ये पहली बार राजगढ़ मध्य प्रदेश में हो रही है। राजगढ़ एक जिला है और ये कथा राजगढ़ जिले के अंदर नहीं हो रही है। राजगढ़ जिले से थोड़ा सा दूर, मतलब 17 से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है खिलचीपुर। उस खिलचीपुर मैदान में, वहाँ एक खेल मैदान है जहाँ पर ये सभी बड़े बड़े कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उस खेल मैदान में, खिलचीपुर के खेल मैदान में, वहाँ पर ये पूरा आयोजन रखा गया है। यहाँ पर पूरा जो है ये सब कुछ रखा गया है, ठीक है। अब दोस्तों, उस स्थान तक पहुँचा कैसे जाए? जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जो लोग मतलब कई दूर दूर से आ रहे हैं, भाई वो लोग इस स्थान तक पहुँचे कैसे? तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये कथा राजगढ़ मध्य प्रदेश में हो रही है और राजगढ़ से लगभग 17 से 20 किलोमीटर दूर खिलचीपुर खेल मैदान में जो है पंडाल सजाया जा रहा है बागेश्वर धाम सरकार जी का। अब ये जो कथा हो रही है, ये 3 दिवसीय कथा है। कुछ लोग इसे 4 दिवसीय कथा भी कह रहे हैं, पर ये 3 दिवसीय कथा है ना। अब ये 3 दिन कौन कौन से हैं वो भी आप लोग सुन लीजिए दोस्तों। 26 जून, 27 जून और 28 जून। क्या? 26 जून, 27 जून और 28 जून, ये 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा वहाँ पर होने वाली है, जिसमें से 27 जून 2023 का दिव्य दरबार वहाँ पर लगाया जाएगा। अब दिव्य दरबार का जो समय है वो अभी निश्चित नहीं है, पर जहाँ तक है यहाँ पर दोपहर के समय वहाँ पर दिव्य दरबार शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो राजगढ़ में यहाँ पर जो पंडाल सजाया जा रहा है वो वाटरप्रूफ पंडाल सजाया जा रहा है, जिसमें ना धूप का असर होगा ना उतने बारिश का असर होगा। और बड़े बड़े यहाँ पर पंडाल सजाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भक्तगणों के आने की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है इस वजह से, है ना। तो वहाँ पर कुल मिलाकर 3 बड़े बड़े पंडाल सजाए जा रहे हैं, जिसमें से एक बीच का मेन पंडाल है और साइड के 2 पंडाल अलग से सजाए जा रहे हैं। उसके साथ में जो अलग से टेंट लगेंगे वो अलग है। तीनों ही पंडाल वाटरप्रूफ हैं, पानी भी गिरता है तो उसकी भी अच्छी खासी वहाँ पर व्यवस्था की गई है ना। और भंडारा भी वहाँ पर रखा गया है, जो कि आप लोगों को वहाँ पर जानने के लिए, अच्छे से देखने के लिए मिल भी जाएगा। अब दोस्तों, इस स्थान तक पहुँचा कैसे जाए? सबसे जो बड़ा माध्यम है वो है रेलवे स्टेशन, रेलवे के माध्यम से। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर कुल 2 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं इस कथा पंडाल से के पास में। सबसे पहला है राजगढ़ और दूसरा है ब्यावरा राजगढ़, है ना। अब ये 2 ही स्टेशन पड़ते हैं। अगर राजगढ़ से कथा पंडाल की दूरी की बात करें तो 17 से 20 किलोमीटर है। अब ब्यावरा राजगढ़ से अगर दूरी की बात करें तो ये करीबन 40 किलोमीटर पड़ता है ना। हम अंदाजे से बता रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो ब्यावरा राजगढ़ से अगर आप लोग स्टेशन से जाएंगे कथा पंडाल तक, तो आपको पड़ेगा लगभग 40 किलोमीटर। अब दोस्तों, ये जो रेलवे स्टेशन पड़ते हैं ये मेन लाइन में नहीं पड़ते हैं, है ना। सबसे पहली बात ये है, ये थोड़ी अलग लाइन में पड़ते हैं। ये उज्जैन इंदौर से आने वाली लाइन होती है, उस लाइन में जो है यहाँ पर ये राजगढ़ रेलवे स्टेशन और ब्यावरा राजगढ़ जो है रेलवे स्टेशन वहाँ पर पड़ता है। ये मेन लाइन में नहीं पड़ता है, जिस वजह से आपको यहाँ तक के लिए सीधा अपने स्थान से डायरेक्ट ट्रेन ना मिले, तो आपको थोड़ा इधर उधर से होते हुए आना पड़ेगा। जैसे कि उज्जैन या इंदौर से होते हुए, या इंदौर से पकड़नी पड़ेगी ट्रेन, या उज्जैन से पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लाइन है ये उज्जैन और इंदौर से होती हुई ब्यावरा राजगढ़ से आगे निकली हुई है ना, और गुना में जाकर मिल गई है। ये मेन लाइन नहीं है, जिस वजह से आपको थोड़ा ट्रेन में दिक्कत हो सकती है ढूंढने के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपको देखकर आनी पड़ेगी। डायरेक्ट ट्रेन हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादातर ना मिले, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर बस की बात करें तो बस अच्छा माध्यम है। बस से आप सीधा कथा पंडाल के रास्ते से होकर गुजर सकते हो, या राजगढ़ पहुंच सकते हो, या ब्यावरा राजगढ़ पहुंच सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे कोई रेलगाड़ी से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, तो उस स्थान पर वो कैसे कथा पंडाल तक पहुँचे? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पास के 2 ही रेलवे स्टेशन हैं, एक राजगढ़ और एक ब्यावरा राजगढ़। राजगढ़ से दूरी 20 किलोमीटर है और ब्यावरा राजगढ़ से 40 किलोमीटर है। अब देखिए, रेलवे स्टेशन तक आप पहुँच जाएंगे और उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है, बसें पकड़ना है, क्योंकि सिर्फ बस ही एक माध्यम है खिलचीपुर तक पहुंचने का, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है। ऑटो वगैरह से आप करते भी हैं तो वो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि जो मतलब 20 का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से ऑटो वाले भी जो है बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे। तो इसीलिए उस समय का सबसे अच्छा जो साधन रहेगा वो बस का रहेगा। हालांकि बस उस समय वहाँ पर चलेंगी, क्योंकि सभी मतलब बहुत सारे भक्तगण बाहर बाहर से भी आएंगे, तो रेलवे स्टेशन से भी उन्हें मतलब वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था मिल ही जाएगी कथा पंडाल खिलचीपुर तक पहुँचने के लिए। तो आप जो है वहाँ पर बस का सहारा लीजिएगा, बस आपको कम में भी पड़ेगी और अच्छी भी रहेगी, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन से सीधा आप लोग वहाँ पर पूछताछ करके बस में बैठिएगा। बस में बैठकर सीधा
सीधा खिलचीपुर पहुंचिएगा और खिलचीपुर में सीधा आप वहीं पर कथा पंडाल तक आराम से पहुंच जाएंगे। थोड़ा पूछताछ करके जाइएगा, ऐसे ही मत जाइएगा, है ना। वैसे ही ब्यावरा राजगढ़ से आप स्टेशन पर उतरिएगा और वहाँ पर भी पूछताछ करके बस में बैठिएगा, वो सीधा आपको मतलब खिलचीपुर खेल मैदान कथा पंडाल तक जाकर वहाँ पर उतार देगी, ठीक है। हालांकि वहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ होंगी पहले से, मतलब भक्तगणों को लाने की छोड़ने की जो भी अलग से बसें लगाई जाएंगी या ऑटो लगाए जाएंगे वो वहाँ पर आपको पहले से मिल जाएंगे। बाकी आप लोग और अच्छे से पूछताछ करके फिर ही उसके बाद बैठिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, वहाँ पर सारे वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी बारिश आ ही गई है और मॉनसून भी आ ही गया है, जिस वजह से जो है वहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्था की गई है, पानी भी आ गया, तो सारी वहाँ पर पानी की निकासी बनाई गई है, वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है। अभी बड़वानी मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम सरकार जी का 23 जून को एक दिन का दिव्य दर्शन और दिव्य दरबार लगा हुआ था, जहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिला कि बागेश्वर धाम सरकार जी ने खुले में दिव्य दर्शन लगाए, खुले में अपनी अर्जियाँ लगवाईं, और ये देखकर थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जी पूजनीय है। श्री हनुमंत कथा जहाँ पर भी होती है वहाँ पर एक कवर जगह होनी चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं तो बागेश्वर धाम सरकार जी के लिए ही कवर जगह होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बागेश्वर धाम सरकार जी के भक्त दिव्य दरबार के लिए सुबह सुबह से धूप में पानी में कैसे ही बैठे रहते, तो यहाँ पर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था, 3 बड़े बड़े पंडाल सजाए जा रहे हैं, वो भी वाटर प्रूफ। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके मन में कोई प्रश्न है इस दिव्य दरबार राजगढ़ मध्य प्रदेश के दिव्य दरबार में अगर आप लोग पहुँच रहे हैं कथा सुनने के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। कोई प्रश्न है कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय वाले सरकार, जय बागेश्वर महादेव।